गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश आगामी इक्कीस तारीख को सूर्य ग्रहण है इस बार ये सूर्य ग्रहण भारत के कई क्षेत्रों में देखा जाएगा आम है तो सूर्य ग्रहण है लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण का एक मुख्य खास बात यह है कि ये जो पूरे साल का जो सबसे लंबा दिन है उस दिन पड़ रहा है इस सूर्य ग्रहण को हम लोग उच्चिष्ट गणपति का सम्मोहन साधना करेंगे उच्चिष्ट गणपति यानी अशुद्ध गणपति इस पर पिछले लाइव सेशन में मैंने काफ़ी व्याख्यान दिया था वो इसी चलते था क्योंकि मैंने सोच रखा था कि उच्चिष्ट गणपति सम्मोहन साधना हम लोग करेंगे गणपति जन्म और स्वभाव से उच्चिष्ट है माने गणपति का जन्म माँ भगवती पार्वती के शरीर के मैल से हुआ था जब हम उच्चिष्ट की बात करते हैं उसका मतलब ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे शरीर का बाय प्रोडक्ट हो ठीक है पसीना होता है मैल होता है ये उच्चिष्ट साधना गृहस्थ भी कर सकेंगे क्योंकि उच्चिष्ट साधना का बहुत सारा विधान होता है जैसे जो उच्चिष्ट गणपति वशीकरण साधना होता है उसमें बहुत लंबा विधान है कि आपको समुन्द्र के किनारे बैठना है एक मूर्ति बनानी है उसको उच्चिष्ट करना है उस पर वस्त्र रखना है फिर उसको गाड़ देना है फिर उसके ऊपर हवन करना है लेकिन हम जो इस सूर्य ग्रहण में साधना करने जा रहे हैं ये नॉर्मल घर में आप कर सकेंगे नॉर्मल हवन सामग्री से आप कर सकेंगे इसका असर क्या होगा इसका असर होगा कि आपको एक वशीकरण यंत्र मिल जाएगा और उसको आप अपने साथ अगर रखेंगे तो बहुत बार जो आपका सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है वो नहीं जाएगा सम्मोहन की जो विद्या है वो उच्चिष्ट गणपति से ही आती है कई लोअर एंटिटीज की भी सम्मोहन की साधना है लेकिन जो सबसे उपयोगी साधना होती है वो गणपति की साधना होती है क्योंकि गणपति मैटेरियल लाइफ के बादशाह हैं रिद्धि सिद्धि इनकी अर्धांगनिया है, शुभ लाभ पुत्र हैं इसी तरीके से इनका इनकी पूरी वंशावली आती है और वो वंशावली ऐसी है कि आपको आपके मैटेरियल लाइफ में बहुत फ़ायदा करती है तो ये जो साधना सम्मोहन का होगा ये इसलिए होगा मतलब इसका तो आपको परिणाम ये मिलेगा कि इस सम्मोहन शक्ति को प्राप्त करके आप अपने जो मैटेरियल लाइफ है जो मॉनेटरी लाइफ है जो पारिवारिक लाइफ है उसमें बहुत उन्नत तरीके से बढ़िएगा क्या कोई विशेष सामग्री की हम लोगों को आवश्यकता है तो हाँ है अगर आप एक ताम्रपत्र खोज पाए या एक भोजपत्र खोज पाए तो बहुत अच्छा रहेगा एक अनार का डंठल रखें और केसर रखें ठीक है इसके अलावा जो भी सामग्री है वो आपको आपके घर के पूजा स्थान पे मिल जाएगा उन्नीस तारीख को जो लोग इस ग्रुप में जुड़ेंगे उनको सामग्री लिस्ट दे दी जाएगी इस साधना का दक्षिणा पाँच सौ एक रुपया है जिसको आप पेटीएम या किसी भी तरीके से नंबर नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव पर भेज सकते हैं ठीक है उन्नीस तारीख को ग्रुप बनेगा आपको जोड़ा जाएगा सामग्री लिस्ट दी जाएगी और इक्कीस तारीख को हम लोग क्योंकि सुबह नौ बज के सोलह मिनट से सूर्य ग्रहण शुरू है तो आपको आठ बजे के आसपास मंत्र देंगे और उसके हिसाब से आप लोग फिर साधना करिएगा जिनको साधना का बेसिक नियम सीखना है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव डायरेक्ट बात करने के लिए मी फॉर ऐप डाउनलोड कीजिए उसमें रुद्रनाथ एट सी एम फोर मेरी ये आई है इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं बहुत ज़रूरी हो तो व्हाट्सअप करिए लेकिन बहुत अत्यंत आवश्यक हो तब ही आज के लिए इतना ही आप सब जुड़िए और इस सम्मोहन विद्या का लाभ लीजिए ऐसे ही मेरे आप लोगों से प्रार्थना है आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश